तो ये देखिए तैयार है हमारी टेस्टी खीर। ऐसी रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो गाइस, स्वागत है मेरे वीडियो में। मेरा नाम है कुसुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल तरीके से खीर। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने किलो दूध ले लिया है। दूध को पहले हम गैस पर चढ़ाएँगे, पहले हम दूध को उबालेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध किलो लिया है। तो ये देखिए, हमने आधा कप चावल लिया है, इसको धो के रख दिया था हमने कम से कम 15 मिनट। ये देखिए, ये बिल्कुल टूट रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट है खीर बनाने के लिए। कई बार हम क्या गलतियाँ करते हैं, दूध के साथ ही चावल को डाल देते हैं और दूध हमारा फट जाता है, वो खीर खाने में इतना अच्छा नहीं लगता है। तो हमने ये गलती नहीं करना है, इसलिए हमने पहले चावल को धो के रख लिया है। तो ये देखिए, दूध भी हमारे एक उबाल आ चुका है, जो हमने चावल धो के रखा था इसमें हम डालेंगे। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, आपने पहले चावल डालना है, चीनी नहीं। अगर आप चीनी पहले डाल देते हो तो आपका खीर फट जाएगा, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब इसको हम बिल्कुल कम सेक करके इसको धीरे धीरे पकाएंगे मीठी सेक पे। अब इस पे हम ढक्कन लगा देंगे, 3 सीटी लगाएंगे। तो ये देखिए, खीर हमारी पक चुकी है। इसमें हम डालेंगे 2 इलायची। खीर को पहले हम अच्छे से थोड़ा से चला देंगे। इलायची हमने कूट के डाली थी। तो ये देखिए, चावल हमारा बिल्कुल गल चुका है। यहाँ पे हमने 2 कप चीनी लिया है, इसमें चीनी डालेंगे और इसको चला देंगे। और इसको कम सेक पे इसको ढक के छोड़ देंगे। अब इसमें हम बादाम डालेंगे। बादाम हमने लिया है 5 से 6, इसमें डालेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने बादाम डाला है, आप चाहो तो काजू, बादाम, गरी, छुहारा सब कुछ डाल सकते हो। अब इसको हम ढक के छोड़ देंगे ताकि जो हमारी चीनी है वो गल जाए। तो ये देखिए, 5 मिनट हो चुका है, इसको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, तैयार है हमारी टेस्टी खीर। ऐसी रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।